स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। ये आज क्वेश्चन दे रखा है टेन ए प्लस बी इजकल टू रूट थ्री, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी इजकल टू वन अपॉन रूट थ्री। तो तुम ये निकालो एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले ये ले रहे हैं हम टेन ए प्लस बी इजकल टू कितना रूट थ्री। ये देखो अगर जो टेन इधर है, टेन ए प्लस बी इधर है, तो ये टेन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री। टेन से टेन खत्म, तो यह आ जाएगा ए प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या कह दो, फर्स्ट। अगर जब हम सेकंड की बात करें तो टेन ए माइनस बी इजिकल टू, जब इधर टेन है और ये रूट थ्री दे रखा है, तो ये पता है तुम लोगों को टेन ए माइनस बी इजिकल टू, ये टेन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। 10 से 10 खत्म, यह आ जाएगा a माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये 8th क्लास का क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण एक इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना, टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये देखो तुम्हारे पास कितना हो गया, a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री, और ये है a माइनस बी इजिकल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो तुम्हें पता है प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो गया, 2a इजिकल टू 60 और ये कितना हो गया 30, 90 डिग्री। इसे काट दो, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी a इजिकल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इस वाली वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर दे रहे हूँ, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस बी, कितना बी तो पता नहीं ये निकालना है, 60 डिग्री प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा, तो 60 माइनस कितना कर दो 45, यानी कितना बच जाएगा तुम्हारे पास, ये बच जाएगा लगभग 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल बी और एंगल ए को आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने ये कहा टेन ए प्लस बी इजकल टू रूट थ्री है, ये रूट थ्री टेन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। 10 से 10 खत्म, a प्लस बी इजकल टू 60। ये बात कर ले 10 a माइनस बी इजकल टू 1 अपॉन रूट थ्री, जब ये 10 है तो ये 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। 10 से 10 खत्म, a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इजकल टू 30। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, a के कितना आ जाएगा 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री होता है, 2 से काटोगे तो यह जाएगा 45। ए इजकल टू 45 मिल गया, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड में, वहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। हमने ए में पुट कर दिया, इधर जाके माइनस कर दिया, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो देखें, उसमें 12th क्लास के जो हैं क्वेश्चन सिखाए गए हैं, या 10th क्लास के जो हैं और आगे ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, उसके लिए आप वीडियो लगातार देखते रहें, ठीक है।